रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। दिल्ली के मौसम में बदलाव तो बिहार में बाढ़ में फंसे 30,000 लोग देश के ज्यादातर हिस्से में इन दिनों मानसून सक्रिय है। कुछ राज्यों में तो भारी बारिश ने जमकर कहर भी बरपाया है, लेकिन बारिश का दौर अभी थमा नहीं है। रविवार की सुबह से देश की राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में बारिश होने के कारण मौसम में बदलाव तो आया है, लेकिन आर्द्रता काफी बढ़ जाने के कारण गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिली है। बता दें कि शनिवार को भी दिल्ली के कुछ इलाकों में काफी तेज बारिश हुई थी। बता दें कि मौसम विभाग ने शहर में हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सुबह में 79% आर्द्रता दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान औसत से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे 33.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जबकि शनिवार को अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार तक दिल्ली में धूप के साथ बारिश भी होती रहेगी। अगले 24 घंटों में होगी तेज बारिश। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। उसने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मानसून सक्रिय है। इस इलाके में 16 और 17 जुलाई को भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश तो बिहार की बाढ़ में फंसे 30,000 लोग, उत्तराखंड में भी कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में 7 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार में कोसी नदी के उफान पर होने के कारण नदी के आसपास के गांवों में बाढ़ सी स्थिति बन गई है। करीब 30,000 लोग बाढ़ में घिर गए हैं और कुछ दिन तक राहत के आसार भी नहीं नजर आ रहे हैं।